नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आजाद खबर 24। आज होटल पेरिस नारायणगढ़ के अंदर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आइए आपको मिलवाते हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, सारी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये वर्तमान में जो है, जैसे बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा है, वायरल चल रहा है, और इस स्थिति में जो है लगातार जो है वो रक्त की जो है जरूरत बढ़ रही है, अस्पतालों में जो है आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है, तो उसी को देखते हुए हमने सोचा है कि यहाँ पे जो है एक रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित किया जाए, जिससे कि आपात स्थिति में जो है लोगों को रक्त मिल सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है डेंगू के केस भी बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों के अंदर जो है रक्त की सुविधाएं कम हो रही हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, इसके लिए हम वैसे तो प्रशासन इसका जो है ज़्यादातर जो है प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, डेंगू के लिए जो समय से जो है वो स्प्रे करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हम तो सामाजिक तौर पर इसकी जो है वो अपनी एक दायित्व निभा सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह की जरूरत पड़ती है, अर्जेंट ब्लड सेवा भी हमने बना रखी है और ये कैंप भी समय समय पे जो है आयोजित करते हैं, तो इस तरह की किसी को जो है अपने समाज में जो है स्थानीय तौर पे हम रक्त की सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, और सभी को इस प्रकार की जो है अपनी भावना रखनी चाहिए। चलो, प्रशासन अपना दायित्व निभाता रहे, स्वास्थ्य सेवाएँ अपनी दायित्व अपना जो है वो निभाता रहे, लेकिन लोगों को भी एक जिम्मेदारी चाहिए कि हम जब भी किसी को रक्त की जरूरत हो, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो है वो रक्त ही पूर्ति कर सकता है, इंसान ही पूर्ति कर सकता है, कहीं बाजार से तो ये मिलता नहीं, तो हमें इस तरह की भावना रखनी चाहिए कि आपात स्थिति में किसी को जरूरत पड़ती है तो हमें रक्त देने के लिए जाना चाहिए, या फिर रक्तदानी को वहाँ तक जरूरतमंद तक पहुँचाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सदीक चौहान। हम लोग रक्तदान सेवा भी अपना जो है अर्जेंट ब्लड ग्रुप चला रहे हैं, नारायणगढ़ जिला बनाओ समिति से जुड़े हुए हैं, और साथ में जो है अपना ये होटल पेरिस से जो है अपने मित्र नवीन जी, जिन्होंने आज का ये आयोजन किया है। आज का ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में ये पूरी जानकारी दी गई थी। देखते रहिए आज़ाद खबर 24।